विश्व प्रसिद्ध पर्यावरण प्रेमी पिपलांत्री के पूर्व सरपंच श्याम सुंदर पालीवाल, जिनका पिपलांत्री मॉडल डेनमार्क के स्कूलों में पढ़ाया जाता है, वहीं हाल ही में उन्हें पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में अनुकरणीय कार्य करने पर भारत सरकार द्वारा देश के चौथे सर्वोच्च पुरस्कार पद्मश्री से नवाजा गया है। बुधवार को श्याम सुंदर पालीवाल धार जिले के बदनावर पहुंचे, जहाँ खबर मध्य प्रदेश के सहयोगी पवन वैष्णव से चर्चा में क्या कुछ कहा, सुनिए। नमस्कार, खबर मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ हूँ पवन वैष्णव। आज हमारे साथ देश दुनिया में जानी मानी एक हस्ती हमारे बीच मौजूद है, जो हाल ही में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित भी हुई है। देश का ऐसा चौथा बड़ा सम्मान, सबसे सर्वप्रथम भारत रत्न पद्म विभूषण पद्म भूषण, और उसके बाद एक ऐसी हस्ती पद्मश्री से सम्मानित श्री श्याम सुंदर पालीवाल जी, जो कि पिपलांत्री, राजस्थान, वीरों की भूमि, संस्कारों की भूमि, उसी संस्कारों की भूमि पिपलांत्री राजस्थान से हमारे बीच श्याम सुंदर पालीवाल जी हैं, जो पर्यावरण एवं समाज सेवा के एक प्रतीक है। हम चर्चा करते हैं, जानते हैं कि किस तरीके से इनका सफ़र शून्य से शिखर पर पहुंचा। नमस्कार पालीवाल जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके से आपका सफ़र शुरू हुआ था और आज शिखर की ओर बढ़ रहा है। 2005 में मैं मेरे गाँव का सरपंच बना और सरपंच बनने के बाद मैंने गांव की विभिन्न समस्याओं को देखा, गांव के ऐसे लोगों से रूबरू हुआ जिनको सरकारें योजनाएं तो बनाती है, उनको लाभ तो पहुंचाने की कोशिश करती है, पर लाभ देने वाली एजेंसियां समय पर वहां तक नहीं पहुंचती है, उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होता है। तो हमने सबसे पहले एक गाँव, आदर्श गाँव का निर्माण किया, एक आदर्श पंचायत का निर्माण किया, और उसमें सबसे पहले गाँव के लोगों से ये बात की कि गाँव बोर्ड लगाने से आदर्श नहीं बनेंगे, गाँव के लोगों को आदर्श कर बनना पड़ेगा। और सबसे पहले मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मैं मेरे पूरे कार्यकाल में मैं मेरे घर से कुछ नहीं लाऊंगा और मैं मेरे घर कुछ नहीं ले जाऊंगा। आपके लिए सरकारें जो योजना बनाती है उन योजनाओं को 100% आपके तक पहुँचाने का काम करूँगा। और उससे गाँव में एक माहौल बना, गाँव के दानदाता आगे आए, गांव में काम करने वाले लोग आगे आए, और ये लगा कि नहीं, ये व्यक्ति ईमानदारी से काम करने वाला व्यक्ति है, इसका सहयोग करना चाहिए। तो धीरे 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 तपस्याएँ हमारी आगे बढ़ती गई और लोग सपोर्ट करने शुरू हुए और आगे जाकर हर एक पहलुओं पर काम होना शुरू हुआ। आज लोग आपको सपोर्ट भी करते हैं, देश दुनिया में आपका नाम है, न केवल आपके गाँव में, न आपके प्रदेश में, न देश में, आपका देश दुनिया में नाम है। लेकिन जब शुरुआत की थी तब किस तरीके का विरोध का भी आपको सामना करना पड़ा होगा, किस तरीके के विरोध से आप गुजरे हैं? देखिए, विरोध करने वाले करते रहेंगे, लोगों को ये पता नहीं है, होता है कि यह व्यक्ति जो काम कर रहा है पता नहीं किस स्वार्थ से काम कर रहा है, क्योंकि आज तक जितने भी लोग आए हैं वो कोई वोट की राजनीति करने के लिए आए हैं, कोई अतिक्रमण करने के लिए आए हैं, कोई अन्य स्वार्थों से आए हैं, कोई कमीशन के लिए आए हैं। तो लोगों को विश्वास जीतना पड़ेगा। और हमने धीरे धीरे, देखिए, हमारी सरकारी ज़मीनों पर जो अतिक्रमणकारी बैठा था उस अतिक्रमणकारी को बेदखल करने का काम किया, और अतिक्रमणकारी को बेदखल करना, देखिए, बहुत बड़ा काम है। गांव में एक चबूतरी आप हटा दीजिए, 80 साल के बुज़ुर्ग नाराज़ हो जाएंगे, 50 साल का उनका लड़का नाराज़ हो जाएगा और 15 साल का पोता नाराज़ हो जाएगा। तीन पीढ़ी की दुश्मनी अतिक्रमण हटाने से होती है, पर हमने उसकी परवाह नहीं की। गांव के लोगों का सरकारी ज़मीनों पर जो अधिकार है, गांव के वन्य जीवों का अधिकार है, वह पूरा देने की कोशिश की और उसमें भेदभाव नहीं किया। नहीं, जो अधिकार है वो मिलना चाहिए। तो अतिक्रमणकारी और आक्रमणकारी दोनों की तुलना कीजिए आप, आक्रमणकारी आएगा, आक्रमण करेगा, लूटेगा और चला जाएगा। अतिक्रमणकारी, जब तक उसको सरकारी ज़मीनों से, सरकार की योजनाओं पर अतिक्रमणकारी को बेदखल नहीं करोगे, तब तक वो उस पर बैठा रहेगा और वो रोज़ माहौल ख़राब करेगा। उसको सबसे पहले बेदखल कर दीजिए, गाँव का माहौल ठीक हो जाएगा। और ये काम हमने किया है। पंचायती राज विकास महात्मा गांधी जी का सपना था, उन्होंने इसको संजोया था जिससे कि गांव के एक मुख्य व्यक्ति को अधिकार मिल सके, जिससे कि गांव का विकास हो सके। आपने तो ये अप्लाई भी किया है, लोगों को बताया भी है, लेकिन अधिकतर ग्राम पंचायतों में ऐसा होता है कि कमीशनबाज सरपंच के पद पर बैठ जाते हैं और गाँव का विकास रुक जाता है। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, आज का विषय था मेरा गाँव मेरा तीर्थ। कई सरपंच मेरे पास आते हैं कि भाई साहब, मेरे से बिना कमीशन काम नहीं होता है, हमें परेशान किया जाता है, ये किया जाता है, हमारा काम रोक दिया जाता है। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि आप सरकार की योजनाओं में कुछ आपको मिलता है क्या? बोले हाँ, थोड़ा बहुत हमको भी मिलता है। तो उनसे सिर्फ यही मेरा निवेदन है कि जिस दिन थोड़ा बहुत लेना हम बंद कर देंगे, उस दिन दुनिया की कोई ताकत किसी सरपंच से कमीशन नहीं ले सकती है। पर सबसे पहले मुझे ये तय करना पड़ेगा कि मैं किसी भी कीमत पर मेरे गांव में लागू होने वाली सरकार की विभिन्न योजनाओं में लीकेज, भ्रष्टाचार, लापरवाही,
और कमीशन नहीं खाऊंगा और नहीं खाने दूंगा, ये धीरे कहने से नहीं होगा काम। कह दिया कि मैं नहीं करूंगा और जब मौका मिलता तो पिछले दरवाजे से हम ले लेते, ये नहीं, ये आपके चरित्र में उतरना चाहिए। धीरे धीरे लोगों को पता लगेगा, आपके काम देखेंगे, क्वालिटी दिखेगी और फिर धीरे धीरे सब काम अपने आप हो जाएंगे। देखिए, किसी के चक्कर में, किसी के जाल में उलझने की सरपंचों को ज़रूरत नहीं है। सरपंच हर 5 साल में बदल रहा है और हम दोष देते हैं कि सरपंच को इस तरह का प्रशिक्षण दिया जा रहा है सरकारी मशीनरी के द्वारा, पंचायत राज की जो मशीनरी है उससे, ये उसको इस तरह का मैसेज समझाया जा रहा है कि अगर पैसा नहीं लेगा तो ऑडिट वालों को देना पड़ेगा, पैसा नहीं लगा तो वसूलियाँ हो जाएगी, पैसा नहीं होगा तो काम नहीं होगा, काम आगे काम नहीं होगा, ऐसे ये गलत फहमियाँ हैं। सरपंच अगर पैसा नहीं लेगा, सरपंच अगर कहीं भ्रष्टाचार नहीं करेगा तो दुनिया की कोई ताकत उसके काम को नहीं रोक सकती है और उससे कोई पैसा नहीं खा सकती है। इसलिए मेरा ये निवेदन है कि पंचायत स्वतंत्र इकाई है, स्वतंत्रता से जिए, दूसरे क्या कर रहे हैं उसको छोड़ दीजिए, सबसे पहले अपने ऊपर देखिए। सरपंच सरपंच बन के रहे, सरपंच जनता का सेवक बन के रहे, सरपंच ठेकेदार नहीं बने। ठेकेदारी के लाइसेंस सरपंचों के परिवार के लोगों के नाम पर नहीं होने चाहिए और तब जाकर स्वार्थ से मुक्त होंगे। हम ये करके डेवलपमेंट की बात करते हैं, ये करके पैसा मांगते हैं कि इतना पैसा मेरे गांव में सीमेंट कंक्रीट सड़कों के लिए मिलना चाहिए, इतना पैसा नालियों के लिए मिलना चाहिए, इतना पैसा सामुदायिक भवन के लिए मिलना चाहिए। क्यों सरपंच उस पर काम करेगा? इसके लिए दूसरी इकाई है सार्वजनिक निर्माण विभाग, इसके लिए दूसरे जनप्रतिनिधि हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, प्रधान हैं, जिला प्रमुख हैं, दूसरे लोगों की जिम्मेदारी है, उनको करने दीजिए। हम गांव की विभिन्न सरकार की योजनाओं की मॉनिटरिंग करके वार्षिक कार्य योजना, वार्षिक प्लान इस तरह से बना के गांव में जल संरक्षण, वृक्षारोपण, अच्छे पशुपालन, अच्छी खेती, जैविक खेती, हम प्राकृतिक खेती, पशुपालन के क्षेत्र में इस तरह से काम करें कि किसान आत्मनिर्भर हो। मनरेगा में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिले। एक गांव की महिला विधवा पेंशन के लिए भटकती फिरती है, आप उसका जॉब कार्ड बनाकर उसको 100 दिन काम दे दीजिए, उसको जो पैसा मिलेगा और उसकी तरफ से जो आशीर्वाद मिलेगा वो ऊपर वाला आशीर्वाद देगा। इस तरह के काम करके इस धरती के ऊपर जीने का अधिकार क्या सिर्फ इंसानों का है? क्या इस धरती के ऊपर जीने का अधिकार सिर्फ इंसान का नहीं है, सरपंच को नहीं है, वार्ड पंच को नहीं है? इस धरती के ऊपर जीने का अधिकार इस ग्राम पंचायत में जन्म लेने वाले हर एक वन्य जीव को है, जो यहाँ पर पैदा हुआ है उसका भी उतना ही अधिकार है जितना हम लोगों का है, मतदाताओं का, वोटों का है। वोटों की राजनीति से ऊपर उठकर भी ग्राम विकास की बात सोचनी पड़ेगी और इसके लिए सरपंच जिम्मेदार है। सरपंचों को इस तरह के सरपंचों के, देखिए मध्य प्रदेश में सरपंचों के चुनाव होने वाले हैं, इस तरह के जनप्रतिनिधियों को तैयार कीजिए जो ठेकेदार नहीं हो, जो ठेकेदारी के लिए काम नहीं करते हो, गांव के विकास का सपना देकर, मेरा गांव मेरा तीर्थ स्थान है ये मानकर वो सरपंच का चुनाव लड़े। आने वाले समय में वो अमर हो जाएगा, कई पीढ़ियां उसको आदर्श मानकर आने वाले सरपंच तैयार होंगे तो फिर हमारा देश एक गाँव से दूसरा गाँव, दूसरे गाँव से तीसरा गाँव, एक जिला दूसरा जिला और हमारा देश आत्मनिर्भर हो जाएगा। आप वर्ष 2005 में पहली बार पिपलांत्री, जो कि आपका गृह ग्राम है, वहाँ से सरपंच निर्वाचित हुए थे। लगभग 16 साल का समय हो चुका है। किस तरीके से आपने शुरुआत की थी जो कि अब पद्मश्री तक जा पहुँचा है और भी आगे ये कारवा बढ़ता ही चला जाएगा, किस तरीके से ये सफ़र आपका शुरू हुआ था, क्या लक्ष्य आपने रखा था, किस तरीके की आपकी भावना थी और कैसे ये विचार आपके मन में आया था? सबसे पहले जब मैं सरपंच का चुनाव लड़ा तो मेरे गाँव के लोगों ने कहा कि मेरे गाँव को आदर्श गाँव बनाएंगे। अब आदर्श गाँव बनाएंगे तो ये पता नहीं था कि आदर्श गाँव कैसे हो। लोगों के साथ बैठ के बात की कि अब आदर्श गांव कैसे बनाएं, अपनी जेब से पैसा निकालिए, सरकार की जन सौभागिता की योजनाओं में 90% सरकार दे रही, 10% हमें देना है, लाइए पैसा, मैं भी देता हूं, आप भी देते हैं और गांव के लिए ऐसी योजना बनाते हैं जिससे गांव का कल्याण हो। हमारी जेब में पैसा निकलना चाहिए तब जाकर हम सरकार की योजनाओं से, जब हमारी जेब से कुछ नहीं लगेगा, हम श्रमदान नहीं करेंगे तो फिर सरकार की योजनाओं से जुड़ाव नहीं होगा। तो गाँव के नागरिकों को आदर्श बनाने का काम किया, जो रास्ते 30-30 साल से लोगों ने अतिक्रमण करके बाड़ों पर मकान बनाकर रास्ते अवरुद्ध किए थे, गांव के नागरिकों ने 30-30 लाख रुपए देकर उन किसानों से, उन अतिक्रमणकारियों से ज़मीन खरीद कर उनके मकानों को हटाकर रास्ते बनाए और ऐसे दानदाताओं को हमने प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति जी के पास ले जाकर उनको धन्यवाद दिलाया कि देखिए इसने 30 सालों का विवाद खत्म किया है, ये आदर्श नागरिक है इसलिए हमारा गाँव आदर्श बन रहा है।
हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा। हम गांव के ढांचे को बदलने से पहले, हम दूसरों को आरोप लगाने से पहले, हम अपने गिरेबान में जाकर जनप्रतिनिधि देखें कि हम कितने आदर्श हैं। फिर गांव के नागरिकों को आदर्श कायम करना पड़ेगा, गांव के पंच पटेलों को आदर्श कायम करना पड़ेगा, समर्पण करना पड़ेगा। सरकारी ज़मीनों पर अगर अतिक्रमण है तो उसको हटाना पड़ेगा। रास्ते सकड़े हैं, रास्तों पर अतिक्रमण है तो हटाना पड़ेगा। शमशान घाटों पर अतिक्रमण है तो हटाना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, हम यहीं पैदा हुए और यही हमारा अंतिम संस्कार होने वाला है। जब हमारा पूरा जीवन चक्र इस गांव में चलने वाला है और इस गांव को के सर्वांगीण विकास के लिए, इस गांव को सुंदर बनाने के लिए, इस गांव को स्वर्ग बनाने के लिए हमारी सरकारें अगर अनलिमिटेड पैसा देती है तो उस पैसे का सही उपयोग एक आदर्श नागरिक के रूप में करने की मेरी जिम्मेदारी है। ये हम मुझे लोगों को सिखाना पड़ेगा और ये काम मेरे गाँव के लोगों ने किया है। बेटियों को एक ज़माने में जबकि अभिशाप माना जाता था, भ्रूण हत्या कर दी जाती थी, आपने एक अभिनव योजना प्रारंभ की थी आपकी ग्राम पंचायत में, जहां पर बेटी का जन्म होने पर पौधे भी लगाते, साथ में 21,000 की FD भी करते। किस तरीके से मन में यह ख्याल आया था? मेरी बेटी की स्मृति में हमने ये काम किया था। मेरी बेटी की डेथ हो गई थी तो मुझे लगा कि मैंने मेरी बेटी खोई है, पर इस गांव में जितनी भी बेटियों का जन्म होगा सबके नाम पर पेड़ लगाएंगे, कुछ सब बेटियों के नाम पर कुछ अंशदान जमा कराएंगे और बेटियों का सम्मान करके बेटियों को आत्मनिर्भरता की तरफ ले जाने का काम करेंगे। और लोगों को समझाया, लोगों का सम्मान किया, जिन लोगों ने बेटियों को जन्म दिया उनका साफा बंधाकर, उनको साड़ी ओढ़ाकर, हमारे जिला कलेक्टर से, हमारे जनप्रतिनिधियों से उसको इसलिए सम्मान दिलाया और उसको ये कहा कि आप चाहते तो इस बेटी को जन्म नहीं दे सकते थे, आप चाहते तो इसको रोक सकते थे, पर आपने बेटी को जन्म दिया है और बेटी के नाम पर पौधे लगा रहे हैं इसलिए हम आपका सम्मान करते हैं। हमने बेटियों का सम्मान करने का तरीका लोगों को बताया कि नहीं, बेटियों का सम्मान करना पड़ेगा, बेटियों को जन्म देना पड़ेगा, हमें नदियों का सम्मान करना पड़ेगा, पानी का सम्मान करना पड़ेगा, हमें वन्य जीवों का सम्मान करना पड़ेगा, हमें पेड़ों का सम्मान करना पड़ेगा और धरती माता का सम्मान करना पड़ेगा, हमें सरकार की विभिन्न योजनाओं का सम्मान करना पड़ेगा, उसमें भ्रष्टाचार नहीं करने देंगे। इस तरह के काम करके हमने एक आदर्श गांव का निर्माण अन्ना हजारे साहब के गांव से प्रेरणा लेकर पिपलांत्री को तैयार किया है और पिपलांत्री से सीखकर राजस्थान की लगभग 160 ग्राम पंचायतें इससे भी अच्छा काम कर रही है। तो मेरा आप लोगों से सबसे निवेदन है कि आदर्श गांव बोर्ड लगाने से नहीं बनेंगे, आदर्श गाँव हमें बनना पड़ेगा, हमें आदर्श कायम करना पड़ेगा, तब जाकर हमारे गाँव आदर्श बनेंगे। छोटे छोटे सम्मान से जब लोग सम्मानित हो जाते हैं तो गर्वित होते हैं, अपने आप में एक अभिमान होता है उनके मन में। आप बड़े बड़े सम्मानों से सम्मानित हुए हैं, देश के राष्ट्रपति महामहिम APJ अब्दुल कलाम ने 2008 में आपकी पंचायत को निर्मल ग्राम पंचायत से पुरस्कृत किया। आप अभी हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित हुए हैं। बड़े बड़े अभिनेता, बड़े बड़े राजनीतिज्ञों के साथ आपका आना जाना रहा है, उनके शो में गए, कर्मवीर जो कि KBC में भी आप गए हैं, उसके बाद भी कहीं आप में गर्व अभिमान झलक दिखाई नहीं देता है, क्या कारण है इसके पीछे? इसका सबसे बड़ा कारण यह कि मैंने नहीं किया है काम, मैंने मेरी जेब से कोई खर्चा नहीं किया है, यह सब काम मेरे गांव के गरीब लोगों ने सरकार की विभिन्न योजनाओं से रोजगार पाकर, सरकार की योजनाओं का सम्मान करके, आत्मनिर्भर होकर सरकार की योजनाओं से मेरे गांव का विकास किया है। इसलिए अगर मैंने मेरी जेब से पैसा खर्च किया हो तो हमें अहंकार आएगा। मेरे गांव के लोगों ने मेरे सरकार की योजनाओं को आत्मसात करके गांव का विकास किया है। अगर इसमें कोई अहंकार करता है, इसमें कोई गर्व में वो घमंड करता है तो मैं मानता हूँ वो ज़्यादा परिपक्व नहीं है। इसलिए हमारा कुछ भी नहीं है, मेरे गाँव के विकास के लिए मेरा गाँव सरकार पैसा दे रही है और अपनी जेब से खर्च नहीं करना पड़ रहा है, तो ये कितना बड़ा काम है। जो दूसरे लोग पैसा दे रहे हैं मेरे गांव के लिए, मेरे गांव के विकास के लिए, तो फिर हमें उनका एहसान मानना चाहिए, हमें उनका सम्मान करना चाहिए। ये काम हम लोग करते हैं, इसके पीछे मन में अहंकार पैदा होकर अपने आप को ख़त्म करना है। देश के प्रधानमंत्री जी ने मुझे कहा कि आप जैविक प्राकृतिक खेती पर काम कर लीजिए, आपने जो काम किया है हमने देखा इसलिए हम आपको यहाँ तक लाए। देश के राष्ट्रपति जी ने नाम लेकर मुझे मेरा संबोधन किया कि श्याम सुंदर जी आप कैसे हैं, आपका KBC एपिसोड मैंने देखा है, आपका कई वीडियो मैंने आपको देखा है, मैं आपके गाँव को देखना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आपने इन पालीवाल जी ने जो काम किया है सर्वांगीण विकास को लेकर, तो आप देखिए देश की बड़ी, देश के नीति निर्धारक, मैं एक नारा देता हूँ कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद तुझसे पूछे तेरी रजा क्या है। खुद को बुलंद, खुद को इतना मजबूत कीजिए कि आप पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप साबित नहीं होना चाहिए। कोई आरोप लगाते रहे बोलते रहे फर्क नहीं पड़ता उसे, पर आप अपने आप को इतना मजबूत कीजिए कि आपको पैसा देने वाली एजेंसियां, आपकी नीतियां बनाने वाली एजेंसियां आपसे पूछे कि आपने ये काम कैसे किया, दूसरी पंचायतों में तो काम नहीं हो रहा है, तब जाकर लोगों के आदर्श बनेंगे। और ये काम हम पिछले 17 साल से 18 साल से कर रहे हैं, तब जाकर ये तपस्या हमारी सफल हो रही है।
जैसा कि आपने अभी बताया कि मैंने कुछ काम नहीं किया, जनता ने किया, लोगों ने किया, सबने मिलकर किया, लेकिन अधिकतर हमारे मध्य प्रदेश में देखा जाता है कि जनप्रतिनिधि करता कोई और है, लेकिन वो जाते हैं जैसे पौधा लगाना हो, पर्यावरण बचाना हो, जाते हैं फ़ोटो खिंचवा लेते हैं, हमने किया। कहाँ तक उचित है, कितना ठीक है? क्या वो ऐसा कहने वाले लोग कभी किसी के आदर्श बनते हैं क्या? कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आंख मूंद कर बैठ जाने से ये समझ ले कि मुझे बिल्ली नहीं देख रही है, पर वो ऊपर वाले की नज़र हर एक अच्छे काम करने वाले व्यक्ति पर है। जब उसको लगेगा कि ये पात्र है, ये काम कर रहा है, इसका देश हित में उपयोग किया जा सकता है, तो उसको उठाकर ऊपर ले जाकर लोगों के सामने रख देंगे कि आप देश की सेवा कीजिए। यही काम हमारे साथ हो रहा है। हमने एक पौधा नहीं लगाया, हमने एक चेक डैम नहीं बनाया, पर नेतृत्व तो सही किया, सरकार की योजनाओं को गांव तक के लोगों को जानकारी देकर उनसे काम लेने का काम किया है, इसलिए लोग हमें पूछते हैं, लोग हमारा सम्मान करते हैं। ये काम, ये सम्मान हमारा नहीं है, मैं तो निमित्त मात्र हूँ। सम्मान किसी मूर्ति का भी होता है, सम्मान किसी पत्थर का भी होता है। तो मेरे गाँव के लोगों ने जो काम किया है, मुझे निमित्त मात्र मानकर मेरा सम्मान करते हैं, जबकि सम्मान ये मेरा सम्मान नहीं, मेरे गांव के लोगों का और मेरे सरकारों का और सरकार की विभिन्न योजनाओं का सम्मान मेरे माध्यम से हो रहा है, ये मेरे लिए बड़ी बात है। आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव है, भावी जनप्रतिनिधि तैयार हो रहे, क्या कुछ उनको संदेश देना चाहेंगे जिससे कि गाँव का समग्र विकास हो सके? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से पंचायती राज के जनप्रतिनिधि जो आने वाले समय में प्रतिनिधित्व करने वाले हैं, देखिए, गांव का सरपंच बनना बहुत भाग्य से मिलता है, मानव जीवन बहुत भाग्यशाली लोगों को मिलता है। अगर आप गांव के सरपंच बनते हैं तो अमर हो जाइए, आप भ्रष्टाचार में मत उलझिए। आप जितना पैसा मान लो कहीं कमीशन ले लिया तो ऑडिट वाले उससे ज़्यादा वसूल कर लेंगे और आप पर ये छाप लग जाएगी कि ये कमीशन खाने वाला व्यक्ति है, तो फिर आपके गांव का विकास नहीं हो सकता है। आप इतनी प्रतिज्ञा ले लीजिए कि मैं मेरे घर से कुछ नहीं लाऊंगा और मैं मेरे घर कुछ नहीं ले जाऊंगा, सरकार की विभिन्न योजना और जनसहभागिता में काम होने वाले कामों को 100% मेरे गांव में उतारूंगा, तो फिर आपका गांव आदर्श बन जाएगा, आप आदर्श बन जाएंगे और आपका जीवन, आप 5 साल का जो राजनीतिक जीवन है वह भी सफल हो जाएगा और आपका मानव जीवन होना यह भी सफल हो जाएगा। ये थे हमारे साथ विश्व प्रसिद्ध पर्यावरण प्रेमी और समाज सेवी, जिन्हें हाल ही में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री सम्मान, जो कि देश का सबसे चौथा बड़ा सर्वोच्च पुरस्कार होता है, उससे सम्मानित किया गया था। देखते रहिए हमारे साथ।